पहले वहां पर धमाका हुआ, जब हमला किया गया था धमाका हुआ, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस हमले के फौरन बाद की। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हम नक्शे पर भी आपको दिखा रहे हैं कि हमला कहां पर हुआ है। दरअसल चुनाव से पहले एक बड़े हमले की गुंजाइश, एक बड़े हमले की आशंका जताई जा रही थी, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि झारखंड और बिहार के भी कुछ इलाकों में नक्सली लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। छोटे बड़े पैमाने पर ये हमले लगातार हो रहे हैं। आज जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक गाड़ी किस तरीके से आग के हवाले हो गई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील नामदेव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील, क्या जानकारी अब और आगे दी जा रही? सुनील, आवाज आ रही है आपको? सुनील नामदेव से हमारा संपर्क नहीं हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नक्सली हमला हुआ है, पहले धमाके हुए और उसके बाद नक्सलियों ने चारों चार तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। 55 जवानों का ये काफिला था, सीआरपीएफ का बटालियन और साथ में स्टेट पुलिस के जवान भी इस दल में शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी सीआरपीएफ अपनी तरफ से कोई पुष्ट जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि मुठभेड़ चल रहा है और इसीलिए कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन शुरुआत में जो 3 जवानों के शहीद होने की खबर थी, मुमकिन है कि 15 जवान करीब शहीद हो चुके हैं इस हमले में। 27 जवानों के बारे में कहा जा रहा है कि वो लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए इस इलाके का मुआयना किया जा रहा है कि कहां पर इस इलाके में नक्सली हैं, कहां से हमला कर रहे हैं, जवानों को क्या बंधक बनाने की कोशिश हुई है, यह हमला किस इलाके में किस तरीके से चल रहा है, वहां पर पहुंचने का सबसे वाजिब रास्ता क्या होगा ताकि अतिरिक्त बलों को वहां पर पहुंचाया जा सके। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में यह तोंगपाल इलाका है जहां पर यह हमला हुआ है। नक्सलियों ने पहले धमाका किया था और धमाके के बाद 4 जगहों से वो फायरिंग करने लगे। सुनील नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आवाज आ रही है आपको? जी जी श्वेता, आ रही है। सुनील, क्या कोई आधिकारिक अभी तक बातें कही जा रही है इसके बारे में, क्या जो जवान शहीद हुए हैं उनकी संख्या की पुष्टि हुई है, क्या लापता हुए हैं उसकी पुष्टि हुई है? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ श्वेता। एक चीज करो कि कार्रवाई क्यों की गई, ये जो है आत्मसमर्पण हो रहा है नक्सलियों, जो बड़े कमांडर्स हैं उनकी बौखलाहट है ये, ताकि जो मोहभंग हो रहा है नक्सल दलम के प्रति नौजवानों का, उसको लेके ये कार्रवाई की है जी। आत्मसमर्पण होना था और इसीलिए ये कार्रवाई हुई है, ये बताया। आत्मसमर्पण, हाँ, तेजी से आत्मसमर्पण हो रहा है नक्सलियों का, हाँ। इसको चलते इसको रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है। सीआरपीएफ ने 4 आत्मसमर्पण कराए पड़े।